हेलो गाइस, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल यानी वस्त्र मंत्रालय के यंग प्रोफेशनल्स के कुछ पोजीशंस हैं। तो वस्त्र मंत्रालय ने कुछ यंग प्रोफेशनल्स के पोजीशंस निकाले हैं, जिसमें कि आप वेबसाइट से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे जा सकते हैं। तो एडवर्टीजमेंट फॉर हायरिंग ऑफ यंग प्रोफेशनल एट मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ये एक एडवर्टीजमेंट है आपका, 11/5 यानी 11 मई का एडवर्टीजमेंट है। इस एडवर्टीजमेंट को सीधे खोलते हैं और बेसिक चीज़ों के बारे में पहले पता करते हैं, फिर डिटेल में जाएंगे। सो यंग प्रोफेशनल 15 चाहिए, यानी 15 लोग चाहिए। आपका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए इसी सब्जेक्ट में। इकोनॉमिक्स में अगर आपका है, LLM है, MBA है, MCA है, MCOM है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशल साइंसेज हैं, सारे सोशल साइंसेज, सोशोलॉजी, सोशल वर्क इंक्लूडिंग एंड मास कम्युनिकेशन अगर आपका है, राइट, आपने पहले वर्क एक्सपीरियंस किया है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ कोलाबोरेट करके, तो ये आप डिजायरेबल होगा। बेसिकली इस सब में आप एज एन इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट भी बेसिकली यंग प्रोफेशनल के रूप में कार्य कर सकते हैं, राइट। ये एक बेसिक एलिजिबिलिटी है। 35 ईयर्स का अपर एज लिमिट है, अच्छा है, अच्छा खासा एक आपको गैप मिल जाएगा। 1 साल का मिनिमम आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट। तो 1 साल का जनरली हो ही जाता है। 60,000 पर मंथ का स्टाइपेंड आपको यहाँ पे मिलेगा, राइट। इस वीडियो को बहुत छोटा ही रखेंगे, इनके दो नोटिफिकेशन है। एक ही नोटिफिकेशन उन्होंने निकाला था 28 मार्च को, जिसमें प्रॉपर गाइडलाइंस है, राइट, यंग प्रोफेशनल एसोसिएट कंसल्टेंट के एंगेजमेंट के लिए। सो बैकग्राउंड इसमें दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ टेन्योर क्या होगा, वो सारी चीज़ें दी हुई हैं, क्वालिफिकेशन इसमें दिया हुआ है, वैकेंसीज कितना होगा। ये एक्चुअली ओवरऑल गाइडलाइन है, राइट, कि सारे यंग प्रोफेशनल का रिक्रूटमेंट, कंसल्टेंट का रिक्रूटमेंट इसके आधार पे होगा। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो आप देख सकते हैं। तो यंग प्रोफेशनल के लिए यहाँ पर सैलरी है 60,000, बाकी एसोसिएट कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट, इसकी पोजीशन अभी नहीं निकली है, राइट। तो इससे आप कन्फ्यूज मत होइए, ये जो है वो एक गाइडलाइन है यंग प्रोफेशनल के रिक्रूटमेंट के लिए, और ये एडवर्टीजमेंट है यंग प्रोफेशनल के रिक्रूटमेंट का, जिसके आधार पे आपका रिक्रूटमेंट होना है। तो आपको मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, अब आपको ये वेबसाइट का लिंक मैं ऑलरेडी इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया है, और वेबसाइट के लिंक पे जाके एडवर्टीजमेंट में जाके रिक्रूटमेंट पे आप करोगे तो ये आपको नोटिस यहाँ से मिल जाएगा। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, पहले तो इसको डिटेल में पढ़िए और ये गाइडलाइन डिटेल में पढ़िए अच्छे से, सारी चीज़ें उसमें दी हुई हैं। अब आपको इसको 31 मई से, राइट, 31 मई से पहले पहले, इसमें लास्ट डेट दिया हुआ है, आप अगर यहाँ पे नीचे देखोगे तो 31 मई से पहले पहले आपको मेल करना है, ठीक। मेल किस पे करना है, ये दोनों मेल है, admin-textile@gov और stab mot3@gmail.com। मेल क्या करना है, राइट, मेल आपको करना है ये प्रोफार्मा, तो इस प्रोफार्मा को प्रिंट करके आप भर सकते हो, दूसरा एक इसको इस PDF को कन्वर्ट कर सकते हो वर्ड में, और आप टाइप करके भी भर सकते हो। यहाँ पे आप पेस्ट करोगे अपना रीसेंट फोटोग्राफ, पेस्ट करना है, ध्यान रखिए, ठीक है, PDF में नहीं चिपकाना है। परमानेंट एड्रेस, एड्रेस, बाकी सारा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देन वर्क एक्सपीरियंस आपका, लैंग्वेज, कुछ अदर, बहुत बेसिक सिंपल से फॉर्म होते हैं इनमें, आपको बहुत कुछ लिखना नहीं पड़ता, डिक्लेरेशन, सिग्नेचर। इस प्रोफार्मा को आप भर के, अपना फ़ोटो लगा के और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट के साथ, मतलब आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट, आपका CV, आपका वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट के साथ आपको इन दो मेल पे आपको भेजना है, राइट। इन दो मेल पे अगर आप भेजेंगे तो आप इसके लिए 31 मई से पहले पहले अप्लाई कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए। ये 7-8 बेसिकली क्राइटेरिया है, तो एक एक दो दो ऐसे इसमें डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये 15 यंग प्रोफेशनल का रिक्वायरमेंट है, तो बेसिकली आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, और डिटेल में आप इसके वेबसाइट पर यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। समय समय पर इनके यंग प्रोफेशनल के प्रोग्राम एक पहले भी निकला था, हमने डाला था उसके बारे में भी, तो समय समय पर निकलते रहते हैं। और अगर मैं एक और बात आपको बता दूं, जो हमारा इसमें मिशन है, हमारा जो चैनल है स्टेप एड इंडिया, इस स्टेप एड इंडिया का पर्पज़ यही है कि जो नए तरह के जॉब आ रहे हैं सोशल सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में, जैसे फेलोशिप्स आ रहे हैं सोशल सेक्टर में, कई सारे गवर्नमेंट भी फेलोशिप्स निकालते हैं, मिनिस्ट्री के जॉब्स में डायरेक्टली आपको यंग प्रोफेशनल के तौर पर लिया जा रहा है, राइट। आप अगर आप यंग प्रोफेशनल हैं तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो ये कई सारे यंग प्रोफेशनल, लगभग हम डेली वीडियो डालते हैं, उससे पहले आपको फेलोशिप्स हैं, उत्तराखंड का CM फेलोशिप अभी भी चल रहा है, MP का निपुण प्रोफेशनल चल रहा है अभी भी, और भी बाकी सेवा फेलोशिप है, SBI है, गूंज है, कई सारे फेलोशिप्स हैं जो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर, लेकिन मैसेज करने से पहले वीडियो को पूरा देखिए फेलोशिप। अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जो वीडियो में सॉल्व नहीं है, उसी के बारे में आप मैसेज करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, इन सारे अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपको कोई पसंद नहीं आ रहा है तो आप बने रहिए चैनल पर, लगभग हर दिन हम लोग डेली
अपॉर्चुनिटीज को पोस्ट करता है, राइट, तो आपको कोई ना कोई आपके मन का अच्छा सा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोनों का, इसका भी लिंक है और ये गाइडलाइन का भी और वेबसाइट का भी, आप उसको अप्लाई करिए और अपने लिए अपने करियर को अच्छे से बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कोई भी किसी भी तरह के मेंटरशिप का कोई चार्ज नहीं है, हम इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको मेंटर्स प्रोवाइड करते हैं और मेंटरशिप के जरिए आपको सपोर्ट करते हैं कि आप गवर्नमेंट में काम करने का और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब में काम करने का आपको मौका मिले। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, स्टेप अहेड।